यूपी की लड़ाई अब सीधे सीधे सफाया बनाम धुलाई तक आ गई है। जो झूठ के शहंशाह हैं, उनके खिलाफ मतदान कर करके उनका सफाया करने का काम करना। फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के इस नारे ने ऐसा जादू किया कि विपक्षी दल चारों खाने चित्त हो गए। उत्तर प्रदेश के चुनावी अखाड़े में प्रचार की आंधी अब पहले से तेज हो चली है। अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 3-3 जनसभाएं की। दो जगहों पर तो दोनों नेता एक ही पिच पर बैटिंग करते दिखे, ये शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र था। इसके अलावा अखिलेश हरदोई भी गए तो सीएम योगी ने अकबरपुर की दूरी नापी। दोनों में जबरदस्त जुबानी संग्राम हुआ। मैं ये कह सकता हूँ, हरदोई की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल डाल करके धोने का काम करेगी। इस बार वोटों से धुलाई बहुत अच्छा करने वाले हैं हरदोई वाले। अब तो मैं इस बात को मान सकता हूं ना कि एटा में किसी गरीब की जमीन पर अब तो कब्जा नहीं होता होगा। गरीबों की जमीनों पर, ग्राम पंचायत की जमीन पर अब कोई ईंट का भट्टा नहीं खोल सकता है ना। अब तो विश्वास हो गया है ना। विरोधियों के नाम ऐसे ही ललकार से गूंज रहा है इस वक्त यूपी का कुरुक्षेत्र। जनता का भरोसा जीतने के लिए भविष्य की दुहाई दी जा रही तो इतिहास के पुराने पन्ने भी पलटे जा रहे हैं। ये चुनाव हमारा आपका तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। जिन लोगों ने अपने स्वयं के पूर्वजों को जो धक्का दे के बाहर करते हो, उन लोगों से विरासत के सम्मान की बात बेमानी है। और मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास दोनों को एक साथ जोड़ करके भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना चाहती है। शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, अकबरपुर और हरदोई में चौथे दौर में 13 मई को मतदान होना है। चौथे दौर के मतदान वाले इन लोकसभा क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन और बीजेपी ने इस वक्त पूरी ताकत झोंक दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।